ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि ये एक रिंग सेरेमनी है। चलिए अब हम आपको बता ही दें कि ये रिंग सेरेमनी है बॉलीवुड अभिनेता उपेंद्र चौधरी के छोटे भाई आकाश की। आकाश और शुभदा जो कि दोनों ही पेशे से इंजीनियर हैं। अभिनेता उपेंद्र चौधरी के अपने निजी जीवन की कहानी भी हिंदी फिल्म की तरह संघर्ष भरी है। जब छोटा भाई आकाश केवल 2 वर्ष का था तब उपेंद्र चौधरी के पिता का देहांत हो गया था। ऐसे मुश्किल भरे समय में अपने भाइयों को पिता की तरह पाला और खुद को सिनेमा संसार में स्थापित किया। इस रिंग सेरेमनी के मौके पर अभिनेता उपेंद्र चौधरी मीडिया से बातचीत के दौरान भावुक नजर आए। हाँ, मैं तो शादी का माहौल खुशी का माहौल होता है और जब मैं इसको देखा उस गेट से एंट्री होते हुए तो मेरी आंखें भर गई और मैं अपने आप को बड़ी संभाला, नहीं तो मेरे आंसू निकल जाते। और पिताजी रहते तो अच्छा लगता। और मुझे खुशी से बात की है कि मेरे दोनों भाई बहुत ही कामयाब हैं और लक्ष्मण की तरह हैं। और जो भी मैं इनसे उम्मीद मेरा जो भी होता है ये उस उम्मीद को भरपूर पूरा करते हैं और भरपूर बड़े भाई की तरह मुझे प्यार करते हैं। ये अच्छा लगा, बहुत शानदार फंक्शन इन्होंने कराया और हमें बहुत ही अच्छा लगा। हमारे सारे मेहमानों को भी बहुत अच्छा लग रहा है, शब्द नहीं है मेरे पास अपनी इस खुशी को बयान करने के लिए। पाकर उपेंद्र जी की फैमिली को पाकर हम लोग धन्य हैं और उपेंद्र जी ने तो ऐसा उनके अंदर एक चुंबकत्व है जिसने हमें खींचा है और हम बस खींचे चले गए। हमें तो यही नहीं पता कि हम अपने परिवार में किसी बेटी दे रहे हैं बल्कि परिवार ही हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और उनकी मुस्कान हमें ऐसी खींच लेती है। थैंक यू सो मच। वहीं ससुराल पक्ष के लोगों ने भी इस रिश्ते को लेकर खुशी जाहिर की है। बेसिकली बीइंग अ ब्रदर मुझे तो बहुत खुशी है। See, my sister got the best match she could have got, so I'm really happy, and that's the best thing could have ever happened. Yeah. I'm feeling the same. I'm also very happy to have such a nice family. राजधानी दिल्ली के द्वारका में हुए इस रिंग सेरेमनी को केवल पारिवारिक लोगों के बीच संपन्न किया गया। हालांकि बॉलीवुड से लगातार बधाई संदेश आते रहे। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए किरण शर्मा के साथ गुलशन सैफी की रिपोर्ट।